तो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका इस भूगोल की, मध्य प्रदेश जीके की क्लास पे। और आप बोर होते हैं, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट लेके और एंटरटेन होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इन नदियों के प्रश्न बहुत साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, और सरल प्रश्न होने के बावजूद भी इन्हीं में गलतियाँ होती हैं। तो चलिए मैं टू द पॉइंट जाऊंगा, आज ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम पढ़ेंगे बेतवा के बारे में, बेतवा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में चलते हैं। और रायसेन ज़िले में क्या खासियत है? रायसेन ज़िले में आप देखेंगे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कटी फटी है, इधर से इधर से चंबल नदी है, छिपरा नदी है, पार्वती है, ये सभी कहाँ से निकल रही थी? विंध्याचल पर्वत से। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी स्लोप से निकल रही थी वो, दक्षिणी स्लोप से, और ये नॉर्दर्न स्लोप से निकलेगी, मतलब उत्तर की साइड से, ये पहाड़ के उत्तर दिशा से निकलती है। और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश पे 232 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, इसको ध्यान देना है। एमपी में कितना चलेगी ये? 232 किलोमीटर। यहाँ पे बॉर्डर खत्म। बॉर्डर खत्म कौन सा? मध्य प्रदेश का। इधर से छतरपुर वाला बॉर्डर इधर खत्म होते हुए इधर फिर से एक मध्य प्रदेश आ गया, ये निवाड़ी जिला। कौन सा? निवाड़ी, मध्य प्रदेश, टीकमगढ़ से काट के बनाया गया है। और जब यहाँ से बॉर्डर से निकलती है ये चलती है 358 किलोमीटर, 358, टोटल 590 किलोमीटर इसकी यमुना में जब मिलती है, और जहाँ से उद्गम है 590 किलोमीटर है, 232 मध्य प्रदेश में और 358 उत्तर प्रदेश में। उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है, जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश। चंबल जहाँ मिलती है, जिला इटावा उत्तर प्रदेश, ये इटावा में मिलती है, ये हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। तो उमरा गांव रायसेन जिले से शुरू होकर के और ये जाती है। बेतवा के किनारे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हमारे कुछ शहर भी बसे हुए थे। बहुत पुरानी नदी है, इसमें हम ध्यान देंगे कि आप आ जाइए तो विदिशा हो गया, सांची हो गया, ओरछा हो गया। ओरछा राम की साम्राज्य स्थली भी रही है, कर्तव्य स्थली भी रही है, वीर सिंह बुंदेला वगैरह यहाँ के बुंदेला शासकों की राजधानी भी रही है। तो इसको ओरछा का ऐतिहासिक महत्व भी है, और श्री राम के जो ओरछा का मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो इसको हमें ध्यान देना है कि ये नदी किस नदी के किनारे हैं, ये सभी बेतवा नदी के किनारे हैं। इसी में देखिए, जैसे यहाँ से हम क्रॉस करते हैं और झांसी आता है, ठीक है, कौन सा? झांसी, ललितपुर, झांसी भी नहीं, ललितपुर। ललितपुर जिला है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से माता टीला डैम बनाया गया है, उसे रानी लक्ष्मीबाई डैम भी कहा जाता है, उसे राजघाट भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। माता टीला कहें या राजघाट कहें या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहें, तीनों एक ही नाम है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों को बिजली मिलती है यहाँ से, दोनों जल प्रवाह को बांटते हैं इसी से, और माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई डैम और राजघाट तीनों एक ही नाम है। इसी में जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे लेकर के कुछ विवाद चलता रहता था, तो बेतवा नदी बोर्ड बना। बेतवा नदी बोर्ड कब बना? जब 1973 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जो नदियाँ थी उनका समझौता चल रहा था 1973 में। समझौते के बाद 1976 में बेतवा नदी बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी आया हुआ है एक दो बार, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। 1976 में ये बोर्ड बना था, ठीक है। इसके बाद इसमें बेतवा नदी में जलप्रपात ज्यादा है नहीं है, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बार बार पूछा जाता है, तो इसको नाम सिर्फ याद रखना है आपको, भालकुंड, भा भाटे वाला, भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात राहतगढ़ पे है, इसलिए राहतगढ़ जलप्रपात कहा जाता है, भालकुंड जलप्रपात भी कहा जाता है। रायसेन जिले में इसी में एक हलाली या सम्राट अशोक सागर बांध भी बनता है। रायसेन जिले में ही हलाली या सम्राट अशोक सागर डैम सिंचाई परियोजना के लिए बहुत बड़ी ये परियोजना थी। इसको हलाली या सम्राट अशोक सागर डैम या सागर भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश की गंगा भी बेतवा को कहा जाता है, लेकिन प्रदूषण के आधार पे। किसके आधार पे? प्रदूषण के आधार पे अगर पूछे तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन है? बेतवा है। और पवित्रता के आधार पे पूछे तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन है?
माँ नर्मदे। इतना ही नहीं, इसके बाद सहायक नदियां, बेतवा की कुल 14 सहायक नदियां हैं, जिनमें से कुल कितनी सहायक नदियां, 14 सहायक नदियां हैं, 14 में से 11 नदियां सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं, 11 नदियां मध्य प्रदेश में सहयोग करती हैं और सिर्फ 3 नदियां इसकी उत्तर प्रदेश में सहयोग करती हैं। तो बेतवा की कुल 14 सहायक नदी, जिसमें 11 मध्य प्रदेश से। सहायक नदियों के नाम ले लें अगर, तो जामनी है, हलाली है, बीना है, दसान है, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि चंबल की सहायक, बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और इसी पे एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है ओरछा को लेकर के, ओरछा किस नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। ओछवा में, ओरछा में एक कंचन घाट बना हुआ है, वीर सिंह बुंदेला जो वहाँ के शासक थे उनकी छतरियाँ वहाँ पे बनी हुई है, स्मारक चिन्ह है वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला कंचन घाट, कंचन घाट ओरछा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला, कौन सा जिला, निवाड़ी जिला, निवाड़ी जिला में कंचन घाट है ना, वीर सिंह बुंदेला की छतरियां हैं वहां पर। तो आज इसमें हम इतना ही है, ज्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं। एक बार फिर से मैं आपको समराइज करूं कि आज आपने क्या सीखा। सबसे पहली चीज तो आपने बेतवा के उद्गम को देखा कि उद्गम कहाँ से है, कहाँ तक है, किस जगह पे मिलती है, हमीरपुर में है, कौन सी नदी की सहायक नदी है, किस दिशा में बहती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में, तो उत्तर स्लोप में है, ये पहाड़ है, ऐसे पहाड़ होता है तो इधर दक्षिण स्लोप हो जाएगा, इसके इस पर उत्तर स्लोप हो जाएगा, तो उत्तरी स्लोप पे है। आज आपने जाना कि इसी पे जो है एक डैम बना हुआ है, माता टीला बांध या रानी लक्ष्मी बांध या राजघाट भी इसी को बोलते हैं, ललितपुर में है ये, इसको ध्यान देना है, ललितपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बेतवा नदी बोर्ड आपको बताया गया कि कब बना और मध्य प्रदेश यूपी और एमपी का समझौता कब हुआ इस नदी बोर्ड के लिए, 73 में समझौता हुआ, 76 में बोर्ड बना। इसके बाद सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना कहां पर है, किस जिले में है आपने जाना, रायसेन में है। राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात किस नदी पे है आपने जाना। आपने ये भी जाना कि कंचन घाट ओरछा में किसकी छतरियां हैं, यहां किस नदी के किनारे है, किस जिले में है और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर चलती है, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर चलती है और कुल लंबाई इसकी कितनी है। बेतवा में आज इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।